टाइम्स में कई सारे रियलिटी शोज की शूटिंग तो चल रही है, लेकिन उनको जो है कंटिन्यूड रखने के लिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन रखने के लिए और सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सारे कोविड टेस्ट होते रहते हैं। और इन अ फ्यू डेज टाइम, कुछ ना कुछ पीरियड के अंदर जो है ये कोविड टेस्ट होते ही रहते हैं ऑन दीज सेट्स। ऐसे में दिव्यांका त्रिपाठी हम सभी को बता रही हैं कि खतरों के खिलाड़ी पर व्हाट इज द साइकिल ऑफ दीज कोविड टेस्ट दैट आर रनिंग, एंड किस तरीके से लोगों को जो वहां पे है फिट रखा जा रहा है, सिक्योर रखा जा रहा है और कोविड से दूर रखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। खतरों के खिलाड़ी की एक बात अगर आपने देखी हो सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में, जो बहुत कॉमन है, दैट दे पोस्ट पिक्चर्स, दे पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोज और अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, लेकिन सारी पिक्चर्स में कहीं ना कहीं वो एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं दैट द मास्क वॉज ऑफ ओनली फॉर द पिक्चर्स, या फिर शूटिंग के दौरान ही सिर्फ मास्क ऑफ था, जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि मास्क को उतारना नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ पिक्चर्स के लिए उतारा है। यू नीड टू कीप योर मास्क ऑन बिकॉज द पैंडेमिक हैज स्टिल नॉट लेफ्ट अस। केप टाउन में भी पैंडेमिक के जो सीन्स हैं वो काफी क्रिटिकल हैं, हालांकि इतना ज्यादा नहीं है बट स्टिल देर आर अ फ्यू केसेस, जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरीके से अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी को मेंटेन कर रहे हैं और वो लोग कोविड की चपेट में नहीं आना चाहते हैं। इससे पूरा एक बचाव रखने के लिए उनका हर 5 दिनों में टेस्ट भी हो रहा है, जिसके बारे में दिव्यांका हम सभी को बता रही हैं दैट एन एंटीजन टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड इन एवरी 5 डेज, और दिव्यांका त्रिपाठी का टेस्ट हो रहा है उसके बारे में भी वो डिटेल्स रिवील कर रही हैं। सो वी रियली विश कि सभी कंटेस्टेंट्स जो भी खतरों के खिलाड़ी पर मौजूद हों वो सभी फिट एंड फाइन हो, बिल्कुल कोविड से दूर हों और जल्दी से जल्दी शूट को रैप अप करके हम सभी के लिए ये शो लेकर आए, जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में जो हो रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के सेट्स पर, फॉलो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैसेज जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।